बच्चों, मैं सोनू जहांगीर आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 3 का पार्ट 6, जीवन का सार। तो देखिए, पढ़ते हैं हम आगे। सूर्योदय से पहले जागो तुम, सदा घूमने जाओ, कुछ हल्का व्यायाम करो, फिर स्वस्थ शरीर बनाओ। हमें सबसे पहले सूर्योदय से पहले हमें जागना चाहिए और फिर घूमने जाना चाहिए। सुबह जो मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, घूमने जाना चाहिए। फिर हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, जैसे योगा करते हैं उस तरह से। इससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। स्वस्थ प्रफुल्लित बाल को सब्जन करते प्यार, सदा रहो आनंद से, यह जीवन का सार। स्वस्थ और प्रफुल्लित यानी प्रसन्न बाल, यानी बच्चों को, स्वस्थ और प्रसन्न बच्चों को सभी जन करते हैं प्यार, सभी प्यार करते हैं। सदा रहो आनंद से, हमेशा खुश रहना चाहिए, यही जीवन का सार है, यही इनकी निचोड़ है। तो आगे चलते हैं। मात पिता गुरु को सदा नित्य प्रति करो प्रणाम, उनके शुभ आशीष से बन जाते सब काम। हमें माता पिता और गुरुजनों, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो टीचरों को प्रणाम करते हैं रोज, उसी तरह से माता पिता को भी रोज प्रणाम करना चाहिए और अपने गुरुजनों को भी प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही हमारे सारे काम बन जाते हैं और हम बड़े होकर सफल आदमी बनते हैं। तो हमें माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि हमें शुभ आशीष मिले, शुभ अच्छे बड़े होके अच्छा काम करें। सबसे बोलो प्रेम से जो तुम चाहो मान, ऐसे जन को सदा जगत में देते सब सम्मान। हमें सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए, इससे हमें आदर और सम्मान मिलता है। ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान। अगर जो इंसान प्रेम से बात करता है बिल्कुल, तो उसे जगत में भी सब आदर रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी सब उसको सम्मान देते हैं। तो आगे देखते हैं। कहो न चुपती बात किसी को, प्रेम सुधा बरसाओ, दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ। हमें आगे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमें सबसे प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, हमें किसी से भी चुपती हुई बात या किसी को, सामने वालों को बुरा लग जाए इस तरह की, हमें किसी को भी चुपती हुई बात नहीं करनी चाहिए सामने वाले की, जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए। इस तरह से हमें किसी को भी बात चुभने वाली बात नहीं कहनी चाहिए। प्रेम सुधा अमृत बरसाओ, यानी हमें प्रेम से अमृत बरसाना चाहिए। प्रेम सुधा, प्रेम रूपी अमृत हमें बरसाना चाहिए, मतलब प्रेम से बात करनी चाहिए। दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ। हमें दुर्बल जो कमजोर होते हैं उनका, बूढ़े जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, या अपंग जो अपंग होते हैं ना, बूढ़े दुर्बल या अपंग, अपाहिज जिसको बोलते हैं, उनका मजाक हमें कभी नहीं उड़ाना चाहिए। सेवा धर्म सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, सेवा से ही मेवा मिले, चित्त प्रफुल्लित होई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, हमें जितना हो सके सेवा करनी चाहिए सबकी, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, जो बूढ़े हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए, अपंग आदमी है उनकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए। तो सेवा से ही मेवा मिले, तो हमें सेवा करेंगे तभी तो हमें फल मिलेगा। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सेवा से मेवा मिले, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, चित्त प्रफुल्लित होई। इस सेवा करने से हमारे मन में शांति रहती है, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। चित्त यानी मन, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न होना। तो सेवा से ही मेवा मिले, चित्त प्रफुल्लित होए। हम सेवा करेंगे तो ही हमारा मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जो कुछ करना झट करो, कभी न लगाओ देर, देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर। हमें जो भी काम करना चाहिए जल्दी से जल्दी करना चाहिए, फटाफट से करना चाहिए,
इसमें हमें देर नहीं लगानी चाहिए, देरी करना सबसे बुरा होता है, लेगा आलस। फिर हम जब देर कर देते हैं किसी काम को तो हमें फिर आलस आ जाता है, जैसे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगो कब। तो हमें कल का काम आज कर लेना चाहिए और आज का काम अभी कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें हमारा शरीर प्रसन्न रहता है और कोई आलस नहीं बढ़ता। तो जो भी काम करो फटाफट से करो, जिससे कि हमें हमारे शरीर में आलस नहीं आए, आलस से हमें दूर रहना चाहिए। आलस को बेरी समझ, रहना उससे दूर, थाली बैठो कभी, सॉरी थाली बैठो मत कभी, करो काम भरपूर। हमें आलस को बेरी समझ, वैरी यानी दुश्मन, हमें आलस को दुश्मन समझना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। हम जैसे दुश्मन से दूर रहते हैं ना, उसी तरह से आलस को भी दुश्मन समझना चाहिए और उसे दूर रहना चाहिए। और कभी भी हमें थाले यानी कि फ्री नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। करो काम भरपूर, कुछ ना कुछ कोई भी काम करो, लेकिन हमें काम करता रहना चाहिए, थाले नहीं बैठना चाहिए। अगर आप थाले बैठोगे तो आप में आलस आएंगे, और आलस को बुरा हमें दुश्मन समझना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मूल्यवान है समय बहुत, क्षण एक न व्यर्थ गवाओ, घर के काम स्वयं करने में कभी न शर्माओ। समय बहुत मूल्यवान है तो हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, और बिना बिना समय गवाए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। घर के कार्य स्वयं करने में कभी नहीं शर्माओ, हमें घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। घर में मदद करनी चाहिए, मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए, घर के काम करते रहना चाहिए, इसमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। गुण गाता जो सदा तुम्हारे, उसे न मित्र बनाओ, अधिक प्रशंसा अपनी सुनकर कभी नहीं इतराओ। जो जो आपके गुण गाता है या आपके मुंह पर ही आपकी बड़ाई करता है, तो उसे कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। जिससे आपके मन में क्या है, अगर वो आपके सामने आपकी बड़ाई करेगा, आपकी तारीफ करेगा, तो आप में घमंड आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी सामने आपके मुंह पर बड़ाई कर रहा है, तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, उससे मित्रता नहीं रखनी चाहिए। अधिक प्रशंसा अपनी सुनकर कभी नहीं इतराओ, हमें अपनी प्रशंसा सुनकर कभी नहीं इतराना चाहिए। घमंड आ जाता है ना कि हाँ हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमारी कोई बड़ाई कर देता है तो इस तरह से, तो बड़ाई करने वाले व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। तो हम अपनी प्रशंसा सुनकर कभी नहीं इतराना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का पाठ, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें व्यायाम करना चाहिए सुबह, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बुजुर्गों का बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे कि मन प्रसन्न रहे, मन प्रफुल्लित रहे, और आलस से हमें दूर रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। कुछ भी काम करो लेकिन आलस से दूर रहना चाहिए, और टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, और समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और प्रसन्न जो आपकी प्रसन्नता करता है, आपकी बड़ाई करता है, उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहिए, जिससे। तो बच्चों जो आपकी प्रशंसा करता है उससे हमें दूर रहना चाहिए, और अपनी प्रशंसा सुनकर अपनी बड़ाई सुनकर कभी नहीं इतराना चाहिए। ये था हमारा आज का पाठ, अब आगे पढ़ते हैं। शब्द बोध, सूर्योदय, सूरज निकलना, स्वस्थ तंदुरुस्त हेल्दी, प्रफुल्लित खुश और प्रसन्न, सार निचोड़, नित्य प्रति यानी प्रतिदिन रोजाना, मान यानी कि आदर, सुधा अमृत, चित्त यानी मन, जैसे हमने पढ़ाया ना पाठ में सुधा अमृत, तो सुधा यानी अमृत, चित्त यानी मन, वैरी शत्रु या दुश्मन, खाली बैठना यानी कि निकम्मा होना, व्यर्थ यानी बेकार, आशीष यानी आशीर्वाद लेना, आशीष लेते हैं ना बड़ों का, जैसे यानी कि आशीर्वाद, प्रशंसा यानी बड़ाई, इतराना यानी कि गर्व से ऐठना, हमें घमंड आ जाता है ना हमारी कोई बड़ाई करता है तो, गर्व से ऐठना।
तो आगे पढ़ते हैं व्याकरण बोध। वर्ण पहेली में से कविता में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो हमें जैसे आलस, ये इसमें बॉक्स और रो में दे रखा है, रो और कॉलम में दे रखा है, ये देखिए आलस दे रखा है, यहाँ हमने लिख दिया। इसी तरह से और देखेंगे शब्द, जैसे ये आधा वह या मैं, व्यायाम, ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में हो गया आशीष, आशीष, तो ये आशीष है, ये भी हमें यहाँ लिखना है। इसके बाद में सुधा, जो हमने शब्दार्थ में पढ़े थे, यानी अमृत, ये हमें उठा के यहाँ लिखना है। दूसरा हो गया प्रणाम, ये प्रणाम है, प्रणाम, ये उठा के हमें यहाँ लिखना है। इस तरह से हमें ये शब्द इसमें रॉ और कॉलम में से देख के यहाँ लिखने हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिए हैं, आपको यहाँ लिखना है। तो आगे पढ़ते हैं, नीचे लिखे शब्दों के सामने समानार्थक शब्द बॉक्स में से चुनकर लिखिए। ये बॉक्स दे रखा है, बॉक्स में से चुनकर समान अर्थक, यानी कि समान अर्थ वाले, जिसका समान अर्थ निकलता है उसे समानार्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है हमें, जैसे चित्त, तो हमने पढ़ा था शब्दार्थ के अंदर चित्त, चित्त का होगा ये मन, मित्र, मित्र का तो आपको पता ही होगा क्या क्या कहते हैं मित्र को, और साथी, वैरी, वैरी को क्या कहते हैं शत्रु, व्यर्थ, व्यर्थ यानी बोलते हैं ना व्यर्थ समय ना गवाओ, यानी कि बेकार, मूल्यवान, मूल्यवान का होगा कीमती, सुधा, सुधा भी हमने शब्दार्थ में पढ़ा था अमृत, मान यानी आदर। तो ये मैंने आपको, और ये जगत रह गया, जगत का संसार, तो ये हमने मौखिक मैंने आपको बताया है और आपको ये लिखना है खुद को। आगे पढ़ते हैं, उदाहरण के अनुसार तुकान शब्द लिखिए। तुकान शब्द यानी तुकान शब्द लिखना है, जैसे प्यार, प्यार को और क्या कहते हैं, तो जैसे प्यार, प्यार में तुकांत क्या है आर, जैसे कि लिखा है इसमें सार, इसमें आर आ रहा है ना, इसमें भी आर आ रहा है बोलने में, और इसमें भी आर आ रहा है, तो यानी कि ये प्यार ये सार। इसी तरह से हमें आगे करना है प्रणाम, तो इसमें तुकांत क्या आ रहा है आम, तो हम ये लिखेंगे काम, उसमें भी आम आ रहा है ना, ऐसे ऐसे प्रणाम काम। गवाओ, गवाओ में आओ आ रहा है, तो यहां लिखेंगे कमाओ, यहां है देर, देर में एर आ रहा है, तो यहां लिखेंगे बैर या वैर, भरपूर, कपूर, इसमें पूर आ रहा है, तो यहां आ जाएगा कपूर, बरसाओ, बरसाओ का यहां आएगा शर्माओ, इसमें आओ आ रहा है तुकांत, और इसमें आओ यानी बरसाओ या इतराओ, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, नीचे लिखी स्थितियों में तुम्हारे मन में क्या भाव आएंगे। ये भाव ही भाववाचक संज्ञा है, जब हमारे मन में कोई भाव आता है किसी चीज को लेकर, तो वो ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे हम पढ़ते हैं, जब कांच का गिलास हाथ से छूट जाए, हमारा कोई नुकसान हो जाता है, कोई चीज हमसे छूट गई हाथ से, तो गिलास का नुकसान हो गया, तो क्या भाव आएगा उसमें, घबरा जाते हैं ना, तो यहाँ पे घबराहट, तो घबराहट हो गई भाव। जब कोई तुम्हें उपहार दे, कोई हमें गिफ्ट देगा, तो हम खुश होंगे, तो इसमें खुश होने के लिए कौन सा भाव आएगा, प्रसन्न होना है ना, तो यहाँ पे प्रसन्न, प्रसन्न भाव हो जाएगा, तो प्रसन्नता भाव हो जाएगा। जब हाथ में सुई चुभ जाए, जब हमारे हाथ में सुई चुभ जाए या कोई इंजेक्शन एकदम से लग जाए, तो कैसा भाव आएगा, अपन बोलेंगे ना उई उफ ओह, ऐसे हो जाता है,
तो वो हो गया कराहना, तो इसमें कराहना भाव हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये एक्सरसाइज, ये व्याकरण आपको बताई है, मैंने आपको ओरल में बताया है, मौखिक बताई है, तो ये आपको कॉपी में करना है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।